आइए दोस्तों जानते हैं तनाव रहित जीवन जीने की कला क्या है। टेंशन, एंजाइटी, कई तरह के मनोविकारों ने आजकल घर घर में घर कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए जीवन जीने की कला को हम सब भूलते जा रहे हैं। कई संत महात्मा आए दिन उपदेश देते हैं, हम सब भी जाते हैं हर्षोल्लास के साथ उन उपदेशों को सुनते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, पर अपने जीवन में कभी भी इन बातों को नहीं उतारते और रोज़ इसी तरह तनाव से ग्रसित होकर कई तरह के विकारों के साथ अपने जीवन को जीते हैं। जहाँ एक तरफ ये हमारी मानसिक परेशानियाँ हमें तनाव देती हैं, दूसरी तरफ यही कई तरह के रोगों का कारण बनती हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में तनाव से ग्रसित हैं तो श्री कृष्ण के ये कुछ बोल हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखिए, इन्हें हमेशा याद करते रहिए। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, तुम क्या लेकर पैदा हुए थे, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दो। दोस्तों कितना सही है ना, हम क्या लेकर पैदा हुए थे। हम सभी जानते हैं जब एक नन्हा शिशु आता है उसके पास कुछ भी नहीं होता। हम जिस तरह का कर्म करते हैं उसी तरह का हमारा जीवन होता है, इसलिए हमें कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तब मन को सच्चा संतोष मिलता है। हमेशा याद रखिए, आपके भाग्य में यदि कोई चीज़ नहीं है तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे आपको दिला दे, और यदि आपके भाग्य में किसी चीज़ का मिलना लिखा है तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे आपसे छीन ले। सिर्फ दोस्तों आपको ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखना है जो कि असंभव को भी संभव बना सकती है। यदि आज आपके भाग्य में बहुत कठिनाइयाँ हैं तो आप जिस तरह के कर्म करते हैं उसी से ईश्वर हर तरह से आपके मार्ग को सुगम बनाता हुआ आपके जीवन में हर तरह की खुशियाँ ला के देते हैं। अतः हम ऐसा कह सकते हैं हमारे कर्म ही कामधेनु गाय के समान हैं, और जो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वह एक पारस मणि के समान है जिससे हमेशा हमें शक्ति मिलती रहती है, और इसी शक्ति से हम अपने कर्मों को करते हुए अपने भाग्य को जागृत कर लेते हैं। दोस्तों भौतिक स्तर यानी हमारे आसपास की चीज़ें, जो भी सुख सुविधाएं हैं, कई बार हम दूसरों से तुलना करते हैं और पाते हैं कि फला व्यक्ति हमसे अधिक भाग्यशाली है और हम कम भाग्यशाली हैं। इस तरह से आपके जीवन में संतोष नहीं रहता। तो हमेशा आपको दोस्तों जब भी आप अपनी तुलना करें अपने से कम भौतिक स्तर के लोगों के साथ करनी चाहिए। आप सभी ने दोस्तों ये किस्सा सुना हुआ होगा। एक बार एक आदमी सड़क पर नंगे पैर जा रहा था, भगवान को कोसता हुआ जा रहा था कि भगवान ने मुझे जूते तक नहीं दिए, ये देखो मेरे जीवन कितना बुरा है। कुछ दूर चला, उसने देखा सामने से एक इंसान जा रहा है जिसके पांव ही नहीं हैं। तत्काल उसके दुख का अंत हो गया, वह प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। प्रभु अच्छा हुआ आपने मुझे कम से कम लंगड़ा लूला तो पैदा नहीं किया। आप समझ सकते हैं दोस्तों, दूसरों की खुशियाँ या दूसरों के ऊँचे पद सुख सुविधा को देखते हुए यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह के तनाव से ग्रसित रहते हैं तो इस तनाव को आपको ज़रूर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया है जिससे हम अपने जीवन में खुश रह सकें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आध्यात्मिक स्तर, यानी जब हम अपने मन के अंदर की खुशी देखते हैं। इसमें दोस्तों जो लोग आपसे आगे हैं, जो लोग ज़्यादा कर्मठ हैं, जो लोग भगवान के प्रति अधिक समर्पित हैं, हमें हमेशा उनसे ही प्रेरणा लेनी चाहिए जिससे हमारी भी प्रगति हो, हमें भी जीवन में शांति मिले। किसी भी बात के लिए कभी भी दोस्तों कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितना ही गलत क्यों ना हो। दोस्तों कई बार आजकल लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि वो दूसरे को गलत ठहरा देंगे तो इसमें वो बड़े बन जाएंगे। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। मानसिक शांति को बनाए रखना चाहिए, अपने काम में मन लगा के रखना चाहिए। मन की शांति के लिए अपने काम से काम रखना एक अचूक औषधि है। दोस्तों मैं बार बार यही बोलूँगी, सिर्फ आप अपने काम से काम रखिए। भगवान ने आपको दुनिया का थानेदार जज नियुक्त नहीं करा है। संसार में जो भी कुछ हो रहा है वह परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान संसार में हर घटना के लिए खुद ही इन सबको भेज रहे हैं, और यह सभी मोहमाया का जाल भगवान की इच्छा से चल रहा है। आपको पर निंदा से, परम पिता परमेश्वर की निंदा से बचना चाहिए और अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके भगवान की इच्छा, बुद्धि और न्याय का आप विरोध करते हैं यदि आप किसी की निंदा करते हैं। तो पर निंदा न करने से आपका मन शांत रहता है और यह विकारों से ग्रसित नहीं होता। कई बार अपनी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन
लेकिन दूसरों के पास क्या है, यह देखकर हम निराश होते रहते हैं, तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरों के पास क्या है, कहाँ से आया है, आपको यह सोचने की कतई ज़रूरत नहीं है। दूसरों की तरफ यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके पास जो है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पूर्व जन्म के जो संस्कार आपके साथ चलते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कौन राजा के घर पैदा होगा और कौन रंक के घर, यह सभी हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। हर हालत में हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए और अपना जीवन संतोष के साथ व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं, एक आदत बनाइए कम बोलने की आदत। घर हो बाहर हो, ज़्यादा बोलने वालों से सभी लोग नफरत करते हैं। कम बोलना समझदारी की निशानी होता है। बिना सोचे कुछ भी बोलने से अनर्थ हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, महाभारत में ऐसा ही कुछ द्रौपदी के साथ हुआ था। एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन के ऊपर कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इसके बाद द्रौपदी के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई उनको हम सभी जानते हैं। इसलिए सदैव ही कम बोलने की आदत बनाएं। बिना मांगे कभी किसी को सलाह मत दीजिए। अपने काम से काम रखिए। किसी से भी बहस मत करिए, इससे आपको कुछ खास हासिल नहीं होगा। बहस में जीतने पर दोस्तों आपका अहंकार बढ़ जाएगा, जिससे आप भगवत कार्यों से दूर हो जाते हैं और सामने वाले के मन को आहत होती है, जिससे कि दोस्ती रिश्तेदारी में दरार पड़ जाती है। हमेशा बहस से अपने आप को दूर रखिए। दूसरा, यदि अपने बात पे अड़ा है तो उसे अड़े रहने दीजिए। संसार में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है जो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उनसे बहस करने से हमारी शक्ति और समय का दुरुपयोग होता है। तनाव रहित जीवन जीने की यही कला है, जिसमें हमें भगवत कृपा में, भगवान में हमेशा मग्न रहना चाहिए। अपने हृदय में शांति का वास रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भाग्य में है वो हमें अवश्य ही मिलेगा। भगवान की कृपा सदैव हम पर बनी रहेगी। हमारे कर्म ही हमारे कामधेनु गाय के समान हैं और हमारी प्रार्थना ही पारस मणि है, जिससे हमारे जीवन में हर तरह की चीज़ें संभव हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको श्री कृष्ण गान का यह एपिसोड अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और यदि आज आप दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। बहुत सारी बातें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो इसी तरह शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।